क्या आपके बाल भी बीच से टूट रहे हैं? बीच बीच से टूट रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आपको फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो बीच बीच से टूटने का जो रीजन है वो क्या है, आपको पता है? नहीं पता है। आप ऑयल लगा रहे हैं, पैक लगा रहे हैं, टोनर लगा रहे हैं, रिंस वाटर लगा रहे हैं, कंडीशनर लगा रहे हैं, सिरम लगा रहे हैं, बट भाई हमें पता ही नहीं कि हमारे बाल टूट क्यों रहे हैं बीच बीच से। तो इसका भी तो इलाज करना जरूरी है। अगर करोगे ही नहीं तो कहाँ से पता लगेगा कि आपके बाल टूट क्यों रहे हैं? तो आज फाइनली मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आपके बालों का बीच बीच से टूटने का रीजन क्या है। अगर आपके बाल भी टूट रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके। तो इतना ज्यादा आप लोग बालों के टूटने से परेशान है, बीच से ब्रेकआउट से परेशान है, तो कैसे उसको ट्रीट करेंगे जिससे आपके बाल बीच से ना टूटे और बालों की जो फ्लेक्सीबिलिटी है, बालों की जो इलास्टिसिटी है, वो कैसे इंप्रूव हो, उस सारी टॉपिक को आज मैं आप लोग के साथ में इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, फाइनली आज मैं आप लोग सब में शेयर करने वाली हूँ आपके बालों में किस तरीके से आप अपने बालों में फ्लेक्सिबिलिटी, अपने बालों की इलास्टिसिटी को कैसे इंप्रूव करेंगे। हमारे बालों को, हमारी बॉडी को एक खाने और पीने से ही मतलब नहीं होता है। हमारे बालों को चाहिए कि उनमें इस तरीके से लचीलापन हो कि जब आप उसको ऐसे ऐसे खींचे या फिर आप कोम करें तो आपके बाल बीच से ब्रेकआउट ना हो। और दूसरी चीज, जब आप अपने बालों में हाथ डालें तो आपके बाल बहुत सारे हर बार में हाथ में ना आए। इसका मैं आप लोग के साथ में लाइव रिजल्ट कभी शेयर करूंगी अपने हेयर का, ठीक है ना। मेरे बालों के बीच से घने होने का, बीच से लंबे मोटे और काले बाल होने का, मेरे बाल शुरू से ही काले हैं। जब भी मैं कोई चीज यूज करती हूँ तो मेरे बाल ऑलरेडी वो काले हो जाते हैं, ठीक है। ये नेचुरल है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने किसी रेमेडी से अपने बालों को काले किया है, बट हाँ, मेरा जो फेवरेट हेयर केयर रूटीन है, जो मेरा बालों को कलर करने का, बालों में एक लाइट लाने का, बालों में एक चमक लाने का, मैंने आप लोग के साथ में ऑलरेडी इस पे वीडियो दे दिया है, तो आप उसको जरूर से जरूर चेकआउट करें, जिसमें मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया है कि आप अपने बालों को किस तरीके से कलर करें और किस तरीके से आप अपने बालों को मेंटेन करके रखें, ठीक है ना। माई पैम्परिंग हेयर केयर रूटीन भी आप एक बार चेकआउट जरूर करें, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर मैं आप लोग के साथ में आज जो चीज शेयर करने वाली हूँ, इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर आपने अपने बालों में आज तक 10,000, 5,000, 6,000, 2,000, 3,000 रुपए खर्च किए हैं तो वो सारे वेस्ट हो जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया। तो अगर आप इस वीडियो को स्किप नहीं करोगे तो आप थोड़ी ही चीजों में 500-600 रुपए में आप अपने बालों में लंबा, घना, मोटा और अपने बालों की फ्लेक्सीबिलिटी यानी लचीलेपन को आप अचीव कर सकते हो, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। आजकल का टाइम इतना ज्यादा बिजी है, इतने ज्यादा हमारी जो लाइफ है, इतना ज्यादा हम पॉल्यूशन में रहते हैं, हम इतनी ज्यादा डस्टिंग में रहते हैं, इतनी ज्यादा जो सन की रेज है बहुत ही ज्यादा तेज हो गई। आज से 5 से 6 साल पहले की मैं बात करूं, जब मैं हाई स्कूल में थी तब इतनी ज्यादा धूप नहीं होती थी, ठीक है। और आज के टाइम में आप देखोगे कि ठंडी इतनी जल्दी जाती नहीं कि धूप की रोशनी बहुत जल्दी पड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। हमारे बाल क्या होते हैं, डैमेज। हम अपने बालों में डीप कंडीशनिंग नहीं करते हैं क्योंकि हम इतने बिजी हैं, हम इतने एडवांस हैं कि हम ऑयल छूते ही नहीं है। डॉक्टर भी आपको ऑयल के लिए मना कर देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बालों में प्रोटीन ट्रीटमेंट करना है, ऑयल ट्रीटमेंट करना है, स्टीम ट्रीटमेंट करना है, अपने बालों को एक्सरसाइज करना है, योगा करना है। आप लोगों के बालों की ग्रोथ को आप 4 गुना तेजी से कर सकते हैं। पता है कैसे? कैसे नहीं पता है, मैं बताऊंगी आपको कैसे कर सकते हैं। योगा कर सकते हैं आप, सुबह डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, अपने पेट को आप साफ रखिए, ठीक है। पहले जब मुझे दिक्कत होती थी तो मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती थी, मेरे बाल भी इतने इतने निकलते थे, विश्वास नहीं मानेंगे आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगी कभी, ठीक है ना। तो आप लोगों के साथ में जो आज मैं चीजें शेयर कर रही हूँ, इससे आपकी 50% जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी, ठीक। जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी 80% समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। रही 20% हेयर की समस्या, वो आपकी मेरी रेमेडीज से सही हो जाएगी, जो इतनी बेहतरीन मैं आप लोग के साथ में लाकर शेयर करती हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट, ऑयलिंग आपकी मस्ट है, ठीक। ऑयलिंग के लिए हमें यहाँ पर जो भी ऑयल आपके पास है, बेस्ट हेयर ऑयल आप चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगी फ्लैक्सीड ऑयल, आपका फेनुग्रीक ऑयल, एलोवेरा हेयर ऑयल। आप होममेड ऑयल यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो मार्केट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपका एवोकाडो, जैसे आपका आर्गन ऑयल, जैसे आपका जोजोबा ऑयल, जैसे आपका ग्रेप सीड ऑयल, जैसे आपका रोज ऑयल,
ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग है, आप अपने बालों को डीप कंडीशनिंग नहीं दे सकते, अपने बालों का इतना टाइम नहीं दे सकते, तो आप इन सारे ऑयल को यूज कर सकते हैं जो स्पेशली आपके हेयर के लिए बने हुए हैं, जैस्मीन हेयर ऑयल, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर आप अपने बालों में कभी भी डीप कंडीशनिंग नहीं करते। आप सोचते हैं शैम्पू किया, कंडीशनर लगाया, लो भाई हो गए हमारे बाल रेडी। नहीं, आप गलत करते हैं। अगर आपको कहीं जाना है, आप सुबह में या रात में आधे घंटे के लिए अपने बालों में डीप कंडीशनिंग करें। डीप कंडीशनिंग के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप एक लीजिए एग। देखो मैं एग यूज नहीं करती हूँ, तो मैं आप लोग को यहाँ पर एग के बारे में बता रही हूँ। मैं इसका पैक बनाकर नहीं शेयर कर सकती हूँ बिकॉज मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो मैं नहीं शेयर कर सकती, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आई होप आप लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपको लेना है एक एग डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क रेडी करने के लिए। आपको लेना है एक ब्राउन एग। ब्राउन एग जो होता है आपके बालों के लिए बहुत बेस्ट होता है। मैंने आप लोग के साथ में पहले भी ये चीजें बताई हुई हैं। अगर आप हमारी पहले से वीडियोस देखते आ रहे हैं नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट पे, तो आपको बहुत सारी चीजें मेरे चैनल पर आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको एक देसी अंडा लेना है और उसमें आपको डालना है 4 से 5 चम्मच आपका शहद, ठीक है। हमें पूरा एक अंडा लेना है। अभी आपका विंटर सीजन यूज आना शुरू हो जाएगा। विंटर सीजन में जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको एक देसी अंडा लेना है, उसमें आपको ऑर्गेनिक हनी डालना है 4 से 5 चम्मच, ठीक। उसके बाद आपको इसमें डालना है आपका रोज वाटर 2 चम्मच और 3 चम्मच आपको इसमें डालना है आपका दही, छनी हुई दही, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी से दही, और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे आपका एप्पल साइडर विनेगर, ठीक। 5 से 6 चम्मच आपका घर का एलोवेरा जेल। सारी चीजों को मिक्स करके आप ग्राइंडर में डालकर ब्लेंड कर दीजिए। ब्लेंड करने के बाद आप अपने बालों को रोज वाटर से हल्का सा गीला कर लीजिए, या फिर आप मेरा कोई भी टोनर यूज कर सकते हैं उसको वेट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप गीला कर लीजिए, पार्टीशन कर लीजिए। आप पार्टीशन करने के बाद से आप इसमें अपना ये वाला पैक लगाएं। जो लोग अपना अंडा यूज नहीं कर सकते हैं उन लोग के साथ में मैं 2 से 3 स्मूथिंग हेयर पैक एक वीडियो में शेयर कर दूंगी, बट उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए, ठीक है ना। इस पैक को आप लगाएंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद आपको शैम्पू के साथ में इसको निकाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी टिप ये है कि हम बाहर जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता ऑयलिंग के लिए, तो प्लीज गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऑफिस से जाइए। ऑफिस से आते हैं, ऑफिस से आने के बाद से आप अपने बालों में डीप कंडीशनिंग जरूर करें। डीप कंडीशनिंग के लिए आप क्या लेंगे, 2 चम्मच आपका एलोवेरा जेल और 10 ड्रॉप्स आपका कोई भी फेवरेट एसेंशियल ऑयल, ठीक है। 5 से 6 चम्मच आपका ऑलिव ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, जो भी आपके पास ऑयल है अवेलेबल वो लें। कोकोनट ऑयल मैं आप लोग को नहीं रेकमेंड करूंगी बिकॉज मैं भी यूज नहीं करती हूँ। जो चीज मैं यूज नहीं करती हूँ मैं उस चीज के बारे में आपके साथ नहीं शेयर करती हूँ, चाहे वो स्पॉन्सर वीडियो हो चाहे वो किसी प्रोडक्ट का रिव्यू हो, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इनको मिक्स करना है और पूरे बालों पे आपको अच्छी तरीके से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आप एक हॉट टॉवल ले लें, हॉट टॉवल से अपने पूरे बालों को आधे घंटे के लिए रैपिंग कर ले, 5 से 6 बार इस प्रक्रिया को आप करें और उसके बाद आप शैम्पू के साथ में मॉर्निंग में वॉश कर ले। आपके बालों में इलास्टिसिटी जो कम हो चुकी है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। आपके बालों में जो लचीलापन खो गया है वो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन हेयर मास्क। प्रोटीन हेयर मास्क क्या होता है आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, जो अंडे का पैक है, ठीक है। दूसरा हमारा है स्प्राउट्स। आपको अपनी डाइट में स्प्राउट्स ऐड करना बहुत जरूरी है, जो मैं ऑलरेडी लेती हूँ। 2 से 3 चम्मच मैं स्प्राउट लेती हूँ सुबह में और 1 आपका शाम में, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अल्फा का स्प्राउट्स बना सकते हैं, काले वाले चने का स्प्राउट बना सकते हैं, आप यहाँ पर फेन्युग्रीक का स्प्राउट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपना जो हमारा छोले होते हैं, राजमा होते हैं, या आपकी मूंग की दाल होती है या उड़द की दाल होती है, इसका आप स्प्राउट्स बना सकते हैं। इसको आप लीजिए अपनी डाइट में, आपका खुद हेयर इतना खूबसूरत हो जाएगा कि आप खुद विश्वास नहीं करेंगे। ये चीजें आपको वही बताएंगे जिन्होंने ये चीजें एक्चुअल में यूज करी है, क्योंकि हम ऊपर की लेयर पे कितनी भी केयर क्यों ना करें, अगर हम अंदर से चीजों को ठीक नहीं करते हैं तो हमारे बाल कभी ठीक नहीं होते हैं। जब आपकी जड़ ही मजबूत नहीं है तो आपके ऊपर की जो दिखावटी चीजें हैं उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोगों के बाल टाइम से पहले ही वाइट हो जाते हैं। क्यों होते हैं, छोटे बच्चों के हो जाते हैं, 15 साल के हैं, 14 साल के हैं, 12 साल के, उनके वाइट हो रहे हैं। तो आप लोगों की भी ये समस्या हो सकती है, जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं 12-13 साल के हैं, 14 साल के हैं, 15 साल के। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके वाइट हेयर हो उससे पहले आप उसको ब्लैक कर लें। और अगर एक बाल वाइट हो गया और आपने उसको निकाल दिया, तोड़ दिया, आपके बहुत सारे बाल वाइट हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बीच से बाल को ब्रेकआउट नहीं करना, ना तो कैची से काटना है और ना ही आपको उसको तोड़ना है, ठीक। उसको हमें काला करना है जड़ से। अब बालों को काला करने का जड़ से जो रीजन है, जो इलाज है, वो मैं आप लोग के साथ में एक प्रॉपर वीडियो में शेयर करूंगी किस तरीके से आप अपने बालों को अंदर से काला करोगे,
ठीक है। मेरे पास एक मेरे मेंबर हैं जिनके बाल व्हाइट हो रहे थे, तो उनको हमने अपनी ट्रीटमेंट दी है, उन्होंने हमारा 6 मंथ का मेंबरशिप लिया हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करिए, ऐसा नहीं है। आप लोग के साथ में भी हर एक वीडियो शेयर की जाएगी आप लोग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप लोग के साथ में जो वीडियो शेयर करती हूँ वो मैं सबके अकॉर्डिंग शेयर करती हूँ, है ना। एक बंदे के अकॉर्डिंग शेयर करूंगी तो उसमें इतने सारे बंदे हैं तो मैं सबके लिए कैसे वीडियोज बना पाऊंगी। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग के साथ में स्पेशल वीडियो शेयर करती हूँ जो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, और एक स्टेप बाय स्टेप आप अपने बालों को समझें कि आपके बालों में क्या समस्या है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर अपने बालों को व्हाइट नहीं होना देना चाहते तो डाइट अच्छी रखिए, दही छाछ, और आप अपने बालों में विटामिन ई की कमी मत होने दीजिए। विटामिन ई आपके बालों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक। दूसरी चीज, आपको सन प्रोटेक्शन जरूर करना है अपने बालों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में फ्लेक्सिबिलिटी रहे, आपके बालों में लचीलापन रहे, तो आपके बालों में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। मेरे बाल एक बार मैं कंघी कर रही थी, अगर आपने मेरा ब्लॉग चैनल देखा है सीमा ब्लॉग, तो वहां पर मेरे बाल, मेरे हैंडल जो होता है आपका अलमारी का, अलमीरा का जो हैंडल होता है उसमें फंस गए थे, बट मेरे बाल एक भी नहीं टूटे। क्यों? क्योंकि मेरे बालों में कहीं से भी ड्राइनेस नहीं है। हमारे बाल बीच से ब्रेकेज होते क्यों है? उसका रीजन है आपके बालों में ड्राइनेस, आपके बालों में फ्रिजीपन होना, आपके बालों में लासिटी नहीं होना, आपके बालों में समस्या ही समस्या होना, ठीक। तो हमें अपने बालों को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करना है, नरिश करना है। अब सन प्रोटेक्शन कैसे देंगे हम आपके बालों को? हम अपने बालों के लिए जो भी ऑयल यूज करते हैं उसमें हम 2 से 3 बूंद या फिर 10 बूंद कैरेट सीड एसेंशियल ऑयल का यूज करेंगे, जो कि ऑलरेडी सन प्रोटेक्शन के लिए ऑयल बना हुआ है, ठीक है। तो आप इस एसेंशियल ऑयल को जरूर से जरूर रखें क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपका ऑयल। नेक्स्ट हमारा टिप आप लोगों के लिए ये रहेगा, जो मैं शुरू से करते आ रही हूँ और अब तक करते आ रही हूँ और आप लोग भी कर रहे होंगे, वो ये एप्पल साइडर विनेगर से आप अपने बालों को रिंस करें, ठीक है। रिंस कैसे करते हैं? एक बकेट लेना है, उसमें आपको पानी भर लेना है, उसमें आपको 2 से 3 चम्मच आपका एप्पल साइडर विनेगर डालना है। जितना अच्छा एप्पल साइडर विनेगर आप यूज करते हो उतनी ही जल्दी आपके बालों की इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाती है। विश्वास नहीं है, 1 महीने आप करके देखना एप्पल साइडर विनेगर से रिंस करके, और आप खुद कहोगे इतने बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो रिंस कीजिएगा, और अपने बालों को रिंस करने के बाद आपको नॉर्मल वाटर से नहीं वॉश करना है, बस एप्पल साइडर विनेगर वाला आपको रिंस करना है। उसके बाद आपको अपने बालों को टॉवल ड्राई करके सुखा लेना है, ठीक है। उसके बाद से आप अपने बालों में कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप चाहें तो हमारी कोई भी चैलेंजिंग वीडियो उठा करके आप करें और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था, वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, अपने बालों में आप इंप्रूवमेंट कैसे करोगे, हेयर इलास्टिसिटी को कैसे बढ़ाओगे, अपने बालों को लचीलापन कैसे लाओगे, क्योंकि लचीलापन है तो आपके बाल अच्छे हैं, नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज का, क्योंकि आप चोटी बनाओगे, बालों को केयर करते जाओगे, ये लगाओगे वो लगाओगे, बालों में लचीलापन ही नहीं तो बीच से वो बाल टूटेंगे ही और आप फिर परेशान होंगे, ठीक है ना। तो अभी आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो में जो भी टिप आपको बताई गई है उसको फॉलो कीजिए, और 1 महीने में आप देखिएगा आपके बालों में लचीलापन आना शुरू हो जाएगा। एक लास्ट टिप और, आपके बालों में अगर लचीलापन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा ड्राई है आपके बाल, आप क्या करेंगे, एलोवेरा जेल 5 से 6 चम्मच मार्केट का, और इसमें आप डालिएगा 6 से 7 चम्मच आपका ऑलिव ऑयल, ठीक है, और 2 चम्मच आप इसमें डालेंगे आपका क्या क्या डालेंगे आप, कैस्टर ऑयल, ठीक है, कैस्टर ऑयल डालिएगा, और 3 चम्मच आप इसमें डालिएगा अपना शहद, ठीक है। शहद डालकर अच्छी तरीके से इनको मिला लीजिएगा, मिलाने के बाद पूरे बालों पर अप्लाई कीजिएगा, अपने ऑयल लगे हुए बालों पर मत अप्लाई कीजिएगा इसको, है ना। ड्राई करने के बाद बालों को गीला करके फिर यूज कीजिएगा, और इसको लगाकर 1 घंटे रखिएगा, हफ्ते में इसको 3 बार कीजिए। पहले अपने बालों में इलास्टिसिटी इंप्रूव कीजिए, उसके बाद से आप आगे का काम कीजिए, जिससे आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो और आपके बाल हेल्दी भी हो और आपको मेहनत का जो फल है वो भी मिले, ठीक है ना। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, बाय।